सेमेस्टर फोर का एग्जाम को देखते हुए हम आपके बीच में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। और पिछले क्लास में हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के बारे में बताए थे, जिसमें टोटल 20 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बताए थे, जिसमें उम्मीद रखे थे कि लगभग इसे आपका इसी टाइप का क्वेश्चन आता है और ज्यादा से अधिक आप मार्क्स उठा सकते हैं इसके माध्यम से। आज हम वही पेपर को, पेपर एट को ही है ना, सेमेस्टर फोर का न्यूमेरिकल एनालिसिस का आज लॉन्ग क्वेश्चन लेके आए हैं। आज भी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपके बीच में रखेंगे है ना, और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा आप इसे नंबर उठा सकें। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे है ना, और पिछले जो क्लास बताया गया था आपका वह केवल शॉर्ट टाइप था, आज देखिए लॉन्ग टाइप के एग्जाम में आपका आएंगे सेमेस्टर फोर पेपर एट। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है लॉन्ग टाइप में आपके बीच में रख रहे हैं वन का ए और बी। आप लोग जानते होंगे कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है लॉन्ग टाइप में ए और बी के रूप में रहता है, 10-10 मार्क्स के दोनों रहते हैं। अगर एक ही क्वेश्चन है तो वह 20 मार्क्स का होगा। तो ए नंबर जो है कहता है कि डिस्कस ऑब्टेन, डिस्कस या ऑब्टेन जो बोलेगा द बाइसेक्शन मेथड है ना, टू ऑब्टेन ए न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ एन अलजेब्रिक इक्वेशन fx बराबर जीरो और यूजिंग बाइसेक्शन मेथड फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन sq-x-1 बराबर जीरो अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। यानी न्यूमेरिकल में जो होता है कभी कभी क्या होता है कि डिजिट चेंज हो जाएगा आपका है ना, लेकिन बनाने का तरीका जो है सेम होगा, इसलिए मेथड का नाम लिखा जाता है और मेथड को यूज करके बनाना सही दिया हुआ है तो बाइसेक्शन मेथड करना है। अगर इसी क्वेश्चन को कह दे कि न्यूटन मेथड से बनाइए तब बना पाएगा न्यूटन मेथड से, आंसर सबका लगभग सेम ही आता है। और इसका जो आंसर है ना, दोनों का सोल्यूशन जो है आपको मिल जाएगा लेक्चर 5 में। न्यूमेरिकल एनालिसिस का टोटल जो है हम आपको 45 वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें 45 लेक्चर में आपका आपको लेक्चर नंबर 5 में 1 का ए और बी दोनों का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा बाइसेक्शन मेथड और उसी के साथ न्यूमेरिकल बनाया हुआ आपका के बनाने का सिस्टम भी बताया हुआ है कैसे बनाएंगे हम लोग। और प्लस न्यूमेरिकल जब भी आता है क्वेश्चन 20 मार्क्स का इसमें सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन से, तो वह ए और बी रहता है, एक में सिस्टम नहीं आया दूसरा में न्यूमेरिकल नहीं आता है, कभी कभी और देख के भी अदर क्वेश्चन पूछता है। टू का ए का टू का है डिस्क्राइब न्यूटन मेथड फॉर द सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन एफ एक्स बराबर जीरो है ना, अब कहता है फाइंड ए पॉजिटिव रूट्स ऑफ इतना यूजिंग कितना न्यूटन रिएक्शन मेथड। न्यूटन रिएक्शन मेथड को बहुत लोग केवल न्यूटन मेथड के नाम से भी जानता है, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस लगभग सम लिखा रहता है। अब फिजिक पर कर दे न्यूमेरिकल चेंज कर सकता है, लेकिन बनाने का सिस्टम आपका सब वही रहेगा है ना, यह जो मिल जाएगा आपको लेक्चर नंबर 6 में। अगर किसी को खोजने में परेशानी होता होगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर बोल सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन भेज दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन भेज दीजिए, तो आपको भेज दिया जाएगा। यहाँ पर यहां तक क्लियर हो गया आपका दो क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो लिए हैं ए और बी इसमें है, कहता है डिस्क्राइब रेगुलर फॉल्सी मेथड। तो रेगुलर फॉल्सी मेथड मेथड ऑफ फॉल्सी पोजिशन बोल सकते हैं इसको, मेथड ऑफ फॉल्सी पोजिशन फोर द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन एफ एक्स बराबर जीरो। इतना जो हम बता रहे हैं सबका ज्योमेट्रिकली भी ड्राइव कर दिए हैं, अगर ज्योमेट्रिकली भी कर देते हैं समिला करते हैं तो बहुत अच्छा नंबर आता है आपका। और यह आपको जिसका सोल्यूशन है लेक्चर नंबर 18 मिल जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता है ना, और किसी का सोल्यूशन चाहिए और तो आपका अलग से लिंक भेज दिया जाएगा सोल्यूशन का, अगर नहीं खोज पाते हैं तो 3 का बी नंबर जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ कितना अंडर रूट 12 बाय यूजिंग न्यूटन रिएक्शन मेथड। अंडर रूट 12 हो गया, अंडर रूट 14 हो गया, ये हो गया स्क्वायर रूट, बहुत ज्यादा 7th रूट पूछता है ना, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, 7th रूट पूछे, अंडर रूट 41 पूछे, क्यू रूट ऑफ 41 पूछे, जो भी पूछे बनाने का तरीका जो सब सेम है, बस क्या सेम है आपका।
वह मिलेगा आपको लेक्चर नंबर 7 बनाया हुआ आपका है सोशलिस्ट का। फोर नंबर क्वेश्चन लिए हैं ए में, डिस्क्राइब इलिमिनेशन मेथड फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन। सॉल्यूशन ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन में बी आपको 20 मार्क्स का एग्जाम में आता है ना, तो एक आता है डिस्क्राइब करने के लिए, दूसरा आता है न्यूमेरिकल आपका, ये आपका दिया इलिमिनेशन मेथड से। इसी मेथड से हम क्या किए हैं, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन गॉस इलिमिनेशन मेथड से लिए हम लोग। और क्या है इसका भी सोल्यूशन जो है लेक्चर 11 में 4 का ए और बी दोनों का सोल्यूशन लेक्चर 11 में आपको मिल जाएगा। ये भी गॉस इलिमिनेशन मेथड से है, ये भी क्या है गॉस इलिमिनेशन मेथड को ड्राइव करना है, ड्राइव करके बताया गया आप लोग को है ना, सोल्यूशन नहीं मिलता है किसी का है ना, तो आप लोग सोल्यूशन हमसे मांग सकते हैं, कॉमेंट में जाकर लिख सकते हैं कि इसका क्वेश्चन नंबर इतना का सोल्यूशन चाहिए, तो आपको अलग से लिंक भेज दिया जाएगा। फाइव नंबर देखिए ए और बी, ए में क्या है डिस्क्राइब एल्यू डिकम्पोजिशन मेथड, इसके बताया गया कि लोअर ट्यूमर और अपर ट्यूमर के कंपोज करके बनाता है, इसका नाम पाया गया एल्यू डिकम्पोजिशन मेथड। फोर द सोल्यूशन ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन कैसे बनाते हैं तो ड्राइव कीजिए आप है ना, यूजिंग एल्यू डिकम्पोजिशन मेथड उसी का सोल्यूशन बता दिए हैं, ये लेक्चर नंबर 13 में ए और बी दोनों मिल जाएगा आपको है ना। इस तरह से हम कहा किए कि 45 लेक्चर है टोटल, अब 45 लेक्चर से कोशिश किए हैं कि आपको 10 से 15 लेक्चर में आपका पूरा का पूरा न्यूमेरिकल एनालिसिस कंप्लीट हो जाए। अगर इसको आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उम्मीद रखते हैं कि आप अधिक से अधिक मार्क्स उठा पाइएगा इस एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6 लिए हम ए और बी करके, ए में लिए है एक्सप्लेन द गॉस जॉर्डन मेथड है ना, तो गॉस जॉर्डन इटरेशन मेथड जो बोल सकते हैं आप, बाय सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। फिर से रिपीट करते हैं, जब भी क्वेश्चन पूछता है ए और बी करके है ना, एक का आता है उसका थ्योरम का एक्सप्लेन करना आता है, दूसरा न्यूमेरिकल आता है इस टाइप का। और न्यूमेरिकल में क्या होता है कि डिजिट अंक आपको चेंज कर सकता है, लेकिन बनाने का सिस्टम आपका सेम टू सेम रहेगा आपका, कहीं मेथड याद रखिएगा। बी नंबर जो है यह ए नंबर आपको लेक्चर नंबर 15 मिल जाएगा स्पेलिंग का, और बी नंबर जो है इसका सोल्यूशन जो है लेक्चर नंबर 16 मिलेगा। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन गॉस जॉर्डन मेथड की में 10x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12, 2x प्लस 10y प्लस जेड बराबर 13, 2x प्लस 2y प्लस 10z इक्वल टू 14। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। 7 नंबर जो है ना ए बी है, ए में कहता है व्हाट इज ए फिनाइट डिफरेंसेस, तो भाई 10 नंबर में फिनाइट डिफरेंस लिखेंगे तो आपको फर्स्ट लेकर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर एन तक फिनाइट डिफरेंस लिखना किसका, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का। अगर न लिख पाते तो टेबल भी दिखा सकते हो दोनों का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिनाइट डिफरेंस का एन तक दिखाना होगा, फर्स्ट लेकर एन तक कैसे निकालते हैं यह आपको मिल जाएगा लेक्चर नंबर 18 में। और 19 में जो है आपको रिलेशन मिल जाएगा आपका, फाइंड द रिलेशन बिटवीन है ना फॉरवर्ड बैकवर्ड और शिफ्टिंग इनवर्स कैन कर, और प्रूफ दैट फॉरवर्ड डिफरेंस कितना हुआ शिफ्टिंग ई माइनस वन करके दिया हुआ है, अब प्रूफ दैट इतना, यही सब के सब आपको मिल जाएगा लेक्चर नंबर 19 में आपका तीनों का रिलेशन। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, जितना तरह से वो पूछ सकता है हम सब तरह के आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, केवल डिजिट चेंज कर सकता है लेकिन आपका सिस्टम पूछने का सब ही रहेगा आपका। एक नंबर क्वेश्चन है ये में है ड्राइव लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला है ना, तो ड्राइव करना होगा तो है ना, और उसी का न्यूमेरिकल दे दिया है नीचे यूजिंग लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई किसका एट एक्स बराबर 3.5 या 1.2 जो पूछ दे जाए आपको ना, बनाने का तरीका सेम रहेगा, एक्स एंड वाई आर गिवन, यानी कि जिस तरह से ये बनाएंगे उस तरह से दूसरा न्यूमेरिकल देगा वही बनाएंगे हम लोग, इसलिए कहीं भी कोई कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। अगर इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको अधिक से अधिक एग्जाम में नंबर आ सकता है। देखिए नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिसमें ए और बी करके लिया गया, ए में बोला गया व्हाट आर डिवाइडेड डिफरेंस, तो डिवाइडेड डिफरेंस जो है वो लीजिएगा तो कह मतलब छोटा सा पार्ट ए और डिफरेंशियल दिखाने से काम नहीं चलेगा, आपको टोटल डिवाइडेड डिफरेंस निकालना पड़ेगा आपको है ना, और उसी पर एक न्यूमेरिकल दिए हम लोग है ना, ये आपको मिल जाएगा लेक्चर
22 में है ना, लेक्चर 22 में आपको दोनों के दोनों पॉइंट मिल जाएगा आपको, है ना, कि व्हाट आर डिवाइडेड डिफरेंस। तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, है ना, इस तरह से निकाल सकते हैं। और 10 मार्क्स तक बनाना है ना, ऐसा लगाना चाहिए कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। अब 10 का ए में क्या कहता है, ड्रैग न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला बोलता है ड्रैग करने के लिए। तो आपका न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला बोले चाहे न्यूटन फॉर्मूला फॉर आर इक्वल इंटरवल बोले, दोनों एक ही चीज है ना। ड्रैग न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला चाहे न्यूटन फॉर्मूला फॉर आर इक्वल इंटरवल के लिए भी होता है, सेम चीज। अब बी में यूजिंग न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, इसमें फाइंड एफ एट और दिया हुआ एफ वन का मान, एफ थ्री का मान, एफ सिक्स का मान और एफ टेन का मान और एफ अलेवन का मान दिया हुआ। टेन का ए और बी, और टेन का ए और बी दोनों जो है आपको मिल जाना चाहिए लेक्चर नंबर 23 में, है ना, या आपको लेक्चर नंबर 23 में मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता आपको, है ना, तो कम से कम आपको एक बार मैसेज मार दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर चाहिए, तो आपको भेज दिया जाएगा, है ना। 10 का एम है रिड्यूस न्यूटन फॉर्मूला, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला जो है करना आपको, न्यूटन बैकवर्ड भी आता है फॉरवर्ड भी आता है ना, तो बैकवर्ड एक बार आ चुका है, फॉरवर्ड दिया गया है। एस्टिमेट द वैल्यू इतना फोर कितना, ये 42 निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल के माध्यम से, ये आपको जो है मिल जाएगा लेक्चर 24 में आपको, ना लेक्चर 24 में आपका 11 का ए और बी दोनों के दोनों मिल जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हुआ। हम कुछ क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको, ना जो अदर चैप्टर से लेते हैं, देखिए आगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो लिए है, सेंट्रल डिफरेंस जो है इंटरपोलेशन से लिया गया है। जैसे हम लोग इसके पहले पढ़े थे फॉरवर्ड और बैकवर्ड, सेंटर से जो पॉइंट लेते हैं हम लोग ना, सेंटर डिफरेंस बोला, उसको डिस्क्राइब करने के लिए बोला गया है, है ना। आपको इसमें आपको मिल जाएगा सेंट्रल डिफरेंस जो है, इसके लेक्चर नंबर आपको मिल जाएगा 26 में, या लेक्चर नंबर 26 में मिल जाएगा आपको, है ना। और इसका जो न्यूमेरिकल है कॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला आपको, है ना, एफ नाइन का मान निकालना है, और यह मिल जाएगा लेक्चर नंबर 27। याद रखिएगा इसका मीनिंग जो है ना, वाई नोट बराबर 14 जो है, इसका मतलब कि एक्स नोट का मान 0 हो गया, वाई नोट का 14, यानी कि एक्स नोट का मान कितना हो गया 0 और एक्स वन का मान कितना हो गया आपका 4, एक्स टू का मान कितना हो गया 8, एक्स थ्री का मान कितना हो गया 4, एक्स फोर का मान कितना 16, है ना। इस तरह मान निकाल के ना आप फिर कितना वाई का वैल्यू, वाई वाई वन का 14, वाई वन का 24, वाई थ्री का 32, वाई फोर का 35, वाई फाइव का 40, इस तरह निकाल सकते हैं। और टेबल बना करके आपको इसको डिफरेंस अब पकड़ेंगे, कैसे लोग एफ नाइन का मान निकालना है या एट यहाँ पर है, दोनों के बीच में होगा। जैसे जी एस का मान कितना 0, 4, 8, 12 और 16, अब दोनों के बीच में कितना 8 है, इधर से बीच में, इधर से बीच में सेंटर निकाला गया है, उसमें क्या करना है अप्लाई करना पड़ेगा गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला, है ना, और निकाल के बनाएंगे हम लोग। अब देखिए 13 नंबर जो है, डिराइव डेरिवेटिव यूजिंग फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, डेरिवेटिव को डिराइव करना है ना फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला यूज करके, या डेरिवेटिव था करने के लिए एफ डैश या डीवाई पॉइंट डी जो था आपका, वह क्या था कि फॉरवर्ड के माध्यम से, बैकवर्ड के माध्यम से, सेंटर डिफरेंस के माध्यम से, डिवाइडेड डिफरेंस के माध्यम से, बहुत डिफरेंट डिफरेंट था। हम यहाँ पर सिंपल कह रहे थे यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस के माध्यम से करना आपको, है ना। अब बी नंबर है, फ्रॉम द फॉलोइंग जो वैल्यू दिया है निकाल कर दिए एक्स वाई का मान, उसके माध्यम से डी वाई पॉइंट डी एस निकालना है, डी टू वाई पॉइंट डी स्क्वायर किस पॉइंट पर एफ एस वाई 1.5 पर, आप इसको ऐसे बोलते हैं एफ डैश 1.5 और एफ डबल डैश 1.5
फाइव मान निकालना है, जो इसे पॉपुलर ड्राइव कीजिएगा उसके माध्यम से भी निकाल लीजिएगा, इतनी निकलेगा। अब हम लोग लेते हैं क्वाड्रेचर रेला, यानी कि न्यूमेरिकल में पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल में इंटीग्रेशन से, उससे एक फुल क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का, देखिए उसके ऊपर क्वेश्चन। तो हम 14 नंबर क्वेश्चन जो है लिए हैं वो लिए हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से, है ना, जिसको हम लोग क्वाड्रेचर फॉर्म जानते जानते हैं इसको। और नियम क्या है कि पहले सबसे पहले हम लोग उसको इंटीग्रेशन करने के लिए बहुत सारा सिस्टम है, सबसे पहले क्या निकालते हैं, डिस्क्राइब न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला, है ना। तो न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला जो है ड्राइव करेंगे, और ये आता भी एग्जाम में आपका। इसी से बी नंबर लिए हैं यूज ट्रेपेजॉइडल रूल, है ना, और टू इवेलुएट एक न्यूमेरिकल लिया गया है 0 से 1 तक एसक्यू डी एक्स कॉन्सिडरिंग 5 सेमी टेबल, 5 सेमी टेबल यानी एन के मान कितना होगा 5 लेना पड़ेगा आपको, तो 1 - 0/5 कर दीजिएगा, और इधर इंटीग्रेशन निकालिएगा, ट्रेपेजॉइडल रूल अप्लाई कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा सोल्यूशन इसका 14 का ए मिल जाएगा लेक्चर नंबर 36, 14 का बी मिल जाएगा लेक्चर नंबर 37 में। और 15 नंबर क्वेश्चन जो है ऑब्टेन सेक्शन 1/3 रूल ऑफ द न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन यूजिंग, अब इसका मिल जाएगा था लेक्चर नंबर 38 में आपको ये भी मिल जाएगा, इसका न्यूमेरिकल मिल जाएगा, दोनों मिल जाएगा आपको, इसमें जिनमें कंफ्यूजन नहीं है, सेक्शन 1/3 का न्यूमेरिकल मिल जाएगा, और इसका ऑब्टेन करना बोला गया फॉर्मूला 38 का चाहे 1/3 का 38 मिल जाएगा आपको। 60 नंबर इसी से लिए है, मैंने न्यूमेरिकल से हम 3 क्वेश्चन लिए हैं 14, 15 और 16, ऑब्टेन सेक्शन 38 रूल ऑफ द न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, और उसका न्यूमेरिकल है ना 39 लेक्चर मिल जाएगा आपको। इस तरह से न्यूमेरिकल का आपका एक फुल क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का, जिससे आप इससे बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट एक चैप्टर और बच गया, और नए डिफरेंशियल इक्वेशन उससे कैसे क्वेश्चन पूछता है देख लीजिए आगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है उठाए हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो इसमें था ईलर्स मेथड, ऑब्टेन ईलर्स फॉर्मूला क्या मेथड ऑन द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ किसका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर इस रूप में दिया हुआ है डीवाई अपॉन डीएक्स वाई एक्स इक्वल टू एक्स वाई विथ वाई एक्स नॉट बराबर एक्स नॉट, ये विथ इनिशियल कंडीशन है एक्स बराबर एक्स नॉट बराबर वाई नॉट डीवाई अपॉन डी, इस तरह में दिया हुआ है ना, उस कंडीशन को सोल्व करने के लिए, इसको सॉल्यूशन करने के लिए एक ईलर्स फॉर्मूला होता है, उसको मेथड को ड्राइव कीजिए, जो आपको लेक्चर नंबर 41 में मिल जाएगा। बी नंबर इसका जो है गिवन दैट डीवाई अपॉन डी बाय 1 प्लस एक्स वाई, देखिए न्यूमेरिकल बता रहे हैं आपको कि न्यूमेरिकल होता है चेंज कर सकता है, 1 प्लस एक्स वाई ना देखे एक्स प्लस वाई दे आपको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, अगर बनाने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर कोई भी डिजिट चेंज करेगा तो आसानी से बना सकते हैं। विथ वाई 0 = 2 दिया हुआ, यानी कि इसका मीनिंग हुआ कि एक्स नोट के मान 0 और वाई नोट के मान 2, फाइंड वाई 0.1 निकालना बाई मॉडिफाइड ईलर्स मेथड के माध्यम से, ये आपको लेक्चर नंबर 42 में मिलेगा। 18 नंबर क्वेश्चन जो है ऑब्टेन सेकंड ऑर्डर आरके मेथड या रैंके-कुट्टा मेथड होता है फॉर ए न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए जितना जो मेथड पढ़ रहे हैं सब मैथमेटिशियन के नाम से ही है, उनका मैथमेटिक टाइटल होता है उसी के नाम से, उस मेथड का नाम दिया जाता है, सिस्टम का नाम दिया जाता है, जिसे आरके मेथड है, दो मैथमेटिशियन मिलकर बनाया गया, इसलिए यहाँ पर एक रंगे थे कुटा है ना, यानी कि दो मिलकर बनाया गया, इसलिए यहाँ पर दोनों को सोल्यूशन निकालने के लिए सेकेंड ऑर्डर के माध्यम से कैसे निकालिएगा उसका सिस्टम के लिखना आपको यहाँ पर, यूजिंग आर के मेथड यूज करके और फाइंड करना है कितना ऑर्डर 4 के लिए, ऑर्डर 4 फाइंड वाई 0.2 फॉर द इक्वेशन डीवाई पॉइंट डी एस वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, एक कंडीशन दो दो कंडीशन दिया हुआ है, वाई 0 के मान 0 यानी एक्स नोट के मान 0 वाई के मान वाई एस के मान भी दिया हुआ है आपको, इसे निकालना है ना वाई 0.2 जो एच का मान है वही निकालना, यानी कि 21 स्टेप में निकल जाएगा आपका, ये लेक्चर नंबर 45 में मिल जाएगा। इस तरह से आज आप लोग को ये चैप्टर से भी आपको एक 20 मार्क्स का फुल क्वेश्चन आता है, इसे हम क्या दो ही क्वेश्चन लिए हैं पर, और हम प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन चूज करने की कोशिश किए हैं, और ये एग्जाम जो है
तीन घंटे के जो एग्जाम होती थी उसमें दो तीन को लॉन्ग क्वेश्चन आना पड़ता था, तीन घंटे का एग्जाम होता था तो तीन लॉन्ग क्वेश्चन, और दो घंटे का एग्जाम होगा तो दो लॉन्ग क्वेश्चन बना रहता है ना। ऐसे आपको एग्जामिनेशन और टाइम में बता दिया जाता है, ऐसे जब भी एग्जाम लिखिए बता दिया था कि दो घंटा का एग्जाम है इसीलिए दो ही लॉन्ग क्वेश्चन लिखना पड़ेगा आपको, अगर तीन घंटा एग्जाम होगा तो तीन को लॉन्ग क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, इसलिए दो को लॉन्ग क्वेश्चन इसे आसानी से पकड़ सकते हैं आप, है ना। 100% बीच आंसर आपको एक्सप्लेन कर दिया गया, अगर आंसर नहीं मिलता है तो कॉमेंट बॉक्स में जाकर कॉमेंट कीजिएगा कि इतना नंबर क्वेश्चन के आंसर चाहिए आपको तो आपको मिल जाएगा। और इसी तरह से अगर समझ आप लोग क्लियर कर लेते हैं और अगर इसको पढ़ने कोशिश करते हैं, रिवाइज करने कोशिश करते हैं तो आपको नेक्स्ट क्लास में आपको हम और भी पेपर जो है पेपर 8 था, पेपर 9 और 10 का भी शॉर्ट टाइप्स और लॉन्ग टाइप्स का ड्राइव करके दिया जाएगा।